नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पेज 185 बात ना करें तो इफ नॉन पैरेलल साइड्स अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो ये आपको बताना है सर। हाँ मिलेगा नॉन पैरेलल साइड्स की ए बी सी डी इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है तो प्रूफ क्या करना है कि ए डी कौन सा क्वेश्चन है एट इज साइक्लिक क्या नाम है बेटा आपका रावल रावल तो थोड़ा सर्कल का आइडिया है थोड़ा बहुत आइडिया है सर्कल का उसी हिसाब से हम आपको समझाएं तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब जरा देखो कि अगर मैं इसको और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं कोई एम और एन तो प्रूफ देखे ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी ये दो चीज कर तो हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अगर हमें इसमें ADM और BCN को congruent proof करना है तो कार्तिक हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज कर लेना चाहिए RHS so let us use RHS congruency to prove that these two triangles ठीक है RHS congruency को यूज करना है now in triangle A D M and triangle B C M तो क्या A D is equals to B C ये given है A D is equals to B C और A M is it equal to B M क्योंकि distance between parallel sides ये distance इसके क्यों equal है क्योंकि दोनों parallel है ना आपकी book में भी line सारी parallel है तो उनके बीच की distance equal है कि नहीं तो distance और AMD क्या है AMD it is equal to angle BNC each 90 degree by construction ये चीज हो गई so by RHS congruency criteria तो इसके बाद RHS congruency criteria से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ये इक्वल इसके क्योंकि और साथ में ये 99 ठीक है सो भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल एडीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीएनसी देखो नहीं बीसीएन सही है BCN कितनी बात सही है। अब हम CPCT से क्या करेंगे बोलो भाई सर तो क्या करना CPCT हमें ये प्रूफ करना है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बताओ एडीएम का एंगल BC
एम सही है। एंगल ए डी एम या एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, डी और सी इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए तो उसकी सीपीसीटी बताती, फिर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो डी किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल। अच्छा डी हमारा सी के इक्वल हो गया है। अब देखो ई नाउ डी इज इक्वल टू सी एंड बाकी चीजें देखें कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी क्या ये 180 डिग्री है, ऐसा मान रहे हो क्या? Yes. ये एंगल अगर ऐसा है तो क्यों है? पॉइंट इन एंगल को इंटीरियर एंगल्स। और ये भी मानती हो माही कि ए बी सी प्लस एंगल सी एबीसी और प्लस सी यानी ये और ये क्या ये भी 180 होगा? Yes, यदि ये 180 होगा तो किस वजह से होगा? पॉइंट इन एंगल ना। अच्छा ये दोनों 180 है, क्या इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है? तो क्या इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। भाई ये भी 180 ये भी 180 इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का भी सम 180 है। तो इसलिए कंपेयरिंग डी ए बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ए बी सी और प्लस एंगल सी, बोली बात सही है? इसी का आप ले लीजिएगा जाकर, ठीक है ना। अब देखिए क्या डी और सी इक्वल है, ऐसा कहीं हम लोगों ने कर दिया है सीपीसीटी से? So, but angle D is equal to angle C. तो angle DAB plus angle D, तो C की जगह भी हम D लिख सकते हैं, फिर ये cancel हो जाएगा। सर, चल नहीं रहा तुझे? D और D equal हो गए, तो this is equal to this. जब ये दोनों equal है, तो मैं C की जगह D लिख दूँ और cancel कर दूँ। तो इससे क्या जो डी ए बी है वो ए बी सी के इक्वल हो गया? मेरा कहने का मतलब है क्या ये एंगल इसके इक्वल है? ये तो इसके इक्वल प्रूव ही हो चुका है और ये भी इसके इक्वल हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूव करने के लिए अनुराग हमें क्या प्रूव कर देना चाहिए? कोई भी इस कोऑर्डिनेटर से इसका प्लस इसका 180 प्रूव कर दो या इसका प्लस इसका, कौन सा क्या मतलब एनी पेयर। तो ये मुझे बताओ कि ए प्लस ए न लिख करके आप लिख दें डी ए बी, डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, इसका सम कितना होगा? 360 डिग्री। अच्छा ये बताइए कि जैसे डी है तो क्या मैं इसे सी लिख दूं? सी और इसका अपोजिट क्या है? ए। तो ए को रहने दूं और इसको भी ए बना दूं, क्यों कर दूं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिखाया गया ना, तो क्या मैं ए बी सी को डी ए बी लिख सकता हूँ? तो डी ए बी और प्लस डी ए बी, यहाँ से इसी से हमने कर लिया, इसकी जगह भी ये लिख दिया। तो टू टाइम्स एंगल डी ए बी प्लस टू टाइम्स एंगल सी, ये कितना हो गया? 360। तो 2 टाइम्स एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी ये 360 डिग्री, तो डी ए बी प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री हो गया। एज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल या वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एज वन पेयर ए बी सी डी इज साइक्लिक देखिए
इतनी बात समझ में आ गई? ये प्रूफ कर दिया, ये शीट पर प्रूफ कर दिया, इन दोनों के सम को वन एट्टी यहाँ लिखा था। देखो अनुराग, इन दोनों के सम को वन एट्टी लिखा था, इन दोनों के सम को भी यहाँ वन एट्टी लिखा था, वन एट्टी था। इनको इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या मैंने सी की जगह भी डी लिख दिया, वहाँ लिखा था सी और डी। क्यों? क्योंकि इसकी सी पी सी टी लगाई थी ना, तो सी की जगह डी लिख के क्या कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद क्या ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसके इक्वल हो गया, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कोऑर्डिनेटर की? ठीक है, तो मैंने डीए भी रखा इधर वाला एंगल, जब ये रखा तो इसको भी मैंने डीए भी लिख दिया। और फिर इसके अपोजिट क्या सी, तो सी को बचाए रखना है ना, तो सी को तो लिखा ही लिखा, डी की जगह भी सी लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, ये भी टू टाइम्स और ये भी टू टाइम्स, तो टू टाइम्स प्लस टू टाइम्स मिलकर 360 उधर चला गया, डिवाइड हो गया। तो क्या प्रूव हो गया कि वन टर्म ऑफ अपोजिट एंगल? आसान सवाल है। यस सर। नाउ सर वो ऐड करता तो वो इधर बता दो, कंपेयरिंग में कंपेयरिंग में क्या है कि एंगल डीएबी अब प्लस एंगल डी क्या ये 180 है, जैसा कि माही ने बता दी कि को इंटीरियर एंगल बोलो और एंगल एबीसी प्लस एंगल सी क्या ये भी 180 है। अब कंपेयर करने में क्या दिक्कत है? जब कोई दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो क्या वे आपस में इक्वल होती हैं? तो कर दिया इक्वल। इक्वल करने के बाद हमें स्ट्राइक ऑफ करना था, तो मैंने सी की जगह डी लिख दिया, फिर हटा दिया, तभी तो इक्वल कर पाओगे। इक्वल हो गया। ठंड लगे तो बता देना।
गया था क्लास तक तो नहीं आया था। चलिए ओके नाउ नाइंथ क्वेश्चन। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। टू बी देखो टू सर्कल किस पर इंटरसेक्ट करते हैं? क्या ये बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं? ठीक है। और अब ये देखिए बी से हमने क्या किया टू लाइन सेगमेंट ए बी डी। अब अपने मन से एक लाइन सेगमेंट ले लो, ये ले लिया यहां से बी से, इसमें देखो यहां से लिया गया दिस इज बी और मैंने यहां से कौन सा लाइन सेगमेंट लिया क्या ए बी डी और ए से एक लाइन सेगमेंट एक एसी लिया और इसी से क्या इसे मिला दिया। देख लो बी सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बी सी से कॉमन कॉर्ड जाती है और हमने बी से एक लाइन सेगमेंट लिया, पूरा लाइन एक है और दूसरा इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ऐसे ही बी से एक और लाइन सेगमेंट लो, एक और लाइन सेगमेंट लो, क्या एक ऐसे भी लाइन सेगमेंट जा सकता है? वो लाइन सेगमेंट क्या है? क्या पी बी क्यू? पी बी क्यू तो दो लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो गए? ABD और BQ। Given two circle intersects at B and C, ABD, ABD and PBQ। क्या ये two line segments हैं? Two line segments। एक ये line और एक ये line। जैसे देख लो ये लाइन है और एक ये लाइन, दो तो लाइन ले ली और फिर उन लाइन को हमने क्या सी से मिला दिया है। चेक करो जब एक हमारे पास ये लाइन है और एक ये लाइन है, बताओ और इनको भी जैसे सी से मिला क्या उसको भी सी से मिला दे? तो हम उसको भी सी से मिला देते हैं तो जिससे फिगर सिमेट्रिक हो जाएगा एक जैसा हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको मिला, इसको प्रॉपरली मिला दें। इतनी बात हो गई? ठीक है। प्रूव दैट ACP, टू प्रूव एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। प्रूफ देखिए ACP क्या है? क्या ये एंगल है? ठीक है। और इसको किसके इक्वल करना है? क्या QCD इसके इक्वल? अनुराग कुछ हल करो, पता नहीं चल पा रहा। सर ACP ट्रायंगल ले लें सर। सर मैं बताऊं ACP इज इक्वल टू PBA।
एंगल इनने सेम चीज है। अच्छा यानी इसको इसके इक्वल करना चाहते हो? यस सर। अच्छा ये फिर फर्दर किसके इक्वल है? एसीबी के सर। नहीं नहीं डीबी क्यू ये तो बोल दिया आपने इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल इनने सेम से मैच, क्योंकि इसकी वजह से जो यहाँ एंगल बना उसकी वजह से वहाँ एंगल बना, तो इसके इक्वल ये हुआ। ये फर्दर किसके इक्वल हुआ? वर्टिकली अपोजिट। फिर ये फर्दर किसके इक्वल हुआ? क्यू डीसी क्यू। तो हो गया ना ये इसके इक्वल। ठीक है तो आप लिख लीजिए कि एंगल पी डी क्यू, ये पी डी ये किसके इक्वल है? It is equals to angle DBQ. Why it is so? क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना? और फर्दर एंगल PDA किसके इक्वल है? क्या PCA? That is angles in same segment of circle theorem that point time. अच्छा इसी तरीके से PBA PCA के इक्वल है, तो PBA की जगह मैं यहाँ PCA लिख दूंगा, बोलो PBA की जगह क्या लिख दूंगा? PCA। लेकिन ये तो बताओ DBQ किसके इक्वल है? PCQ। And DBQ is equals to DCQ। क्या इसका भी यही चीज है? Yes, तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, PBA की जगह क्या डाल दो बताओ? PCA, PCA और DBQ की जगह क्या डाल दो? DBA। तो एंगल PCA is equals to एंगल DCQ, DCQ यही प्रूफ करना था क्या? या QCB यही बात है? PCA और QCB या DCQ? फिर से समझो, फिर से समझने के लिए ये देखो, क्या ये 1 है और ये 2 है? क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? व्हाई इट इज सो? वर्टिकल अपोजिट। सही बताया आपने। अच्छा ये मुझे बताओ क्या 1 3 के इक्वल है? ऐसा क्यों? एंगल्स क्योंकि इस आर्क की वजह से यहां एंगल बना है, यहां एंगल बना है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अच्छा क्या 2 4 के इक्वल है? बोलो क्या इसका भी रीजन हुआ? 1 2 के इक्वल, 2 4 के इक्वल और 1 2 3 के इक्वल, तो क्या ये सब आपस में इक्वल ही इक्वल है? देखो 1 किसके इक्वल? 2 के। 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो 1 2 के इक्वल। 2 किसके इक्वल? 4 के। 4 के इक्वल और 1 किसके इक्वल? 3 के इक्वल। तो आप समझ लीजिए 1 2 के इक्वल है, 4 के इक्वल और 2 है किसके इक्वल? 1 को पहले 2 के इक्वल कर दो, ये बराबर हो गए। 2 को किसके इक्वल कर दो? 4 के। और 1 को 3 के इक्वल, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल, तो ये तीनों भी इक्वल और ये फिर इसके इक्वल, तो फिर जब तीनों इक्वल और फिर इसके इक्वल, तो 4 इक्वल। आपकी एज जिनके इक्वल, इनकी एज जिनके इक्वल, उनकी एज जिनके इक्वल, तो क्या सभी के एज इक्वल ही इक्वल हो गए? यस सर। तो है ना, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ऑल आर इक्वल, तो वही हमने दिखा दिया। दिस इंप्लाइज क्या 3 इज इक्वल टू 4? क्यों? क्योंकि 1 की जगह में क्या 3 लिख दूं? लिख सकता हूँ ना 1 3 इक्वल। हाँ, और 2 की जगह क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? यस सर। तो अगर मैं 1 की जगह 3 लिख दूं और 2 की जगह 4 लिख दूं, तो क्या यही हमें प्रूफ करना था? बोलो। यस सर। आगे देखो, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डायमीटर, सर्कल ड्रॉ करो, तो taking two sides of triangle at diameter, put at the point of intersection, lie on the third side. ऐसे सर्कल बनाए जाए कि मान लो जैसे 2 साइड है ट्रायंगल के, तो इसका इसको हमने डायमीटर दे दिया, इससे जो सर्कल बना, बात समझ आई? तो हमें ये क्या प्रूव करना है? तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड, तो 2 सर्कल हमने बना दिए। अब 2 ट्रायंगल भी लो, क्या ये ट्रायंगल का एक साइड है जिसे मैंने डायमीटर के तौर पर लिया? देखो ये बिल्कुल डायमीटर लग रहा है,
इस सर्कल का डायमीटर लग रहा है। अब एक ट्रायंगल का दूसरा साइड लो क्या ये भी आपको डायमीटर की तरह ही लग रहा है? मैंने तो मैंने ले लिया ये लग रहा है। अब एक हमने ट्रायंगल का तीसरा साइड ले लिया ये तो कह रहा है कि ये जो सर्कल का दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड पे लाई करेगा। क्या लाई कर रहा है? यदि फिर से समझो, एक बार समझो कि फिर पूछोगी। यदि ट्रायंगल के दो साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल बनाया जाए, क्या बोलो? इस साइड को लेके डायमीटर लेके सर्कल बनाया, लग रहा है ना डायमीटर, सेंटर से ज्यादा है कहीं, और इसको भी डायमीटर, तो इन ये दोनों सर्कल का जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा क्या वो ट्रायंगल की थर्ड साइड पे लाई करेगा? पढ़ लो आप कॉपी में यही लिखा है, बोलो। अब पूछो क्या पूछती हो बताओ। सो गिवन क्या है? ए बी सी, ए बी एंड ए सी आर टू डायमीटर, आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल। And ABC is a triangle. To prove the other point of intersection of circle, circle का वृत्त का दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा पर रहेगा। That is the other intersection point of two circle lies on the third side of triangle. So to prove the other intersection point of circle lies on third side. Kartik, इसमें हम construction क्या करें? बोलो सर। जॉइन एडी सर, आपने गिवन में एबीसी के बाद क्या लिखा है? एबीसी इज ए ट्रायंगल, सही है। मुझे ये बताओ एडीबी क्या होगा? एंगल एडीबी। अच्छा, एंगल एडीबी क्यों 90 डिग्री होगा? जॉइनिंग तो किया है, लेकिन और कुछ रीजन बताओ। थ्योरम 10 पॉइंट, एंगल इन ए सेमी सर्कल, इसकी कोई थ्योरम नहीं है। एंगल इन ए सेमी सर्कल ये कोरोलरी है, अलग से अनुच्छेद है। तो ये क्या है कि 10.8 का ही कोरोलरी है। तो क्या है एंगल इन ए सेमी सर्कल? एंगल इन ए सेमी सर्कल। लेकिन पवन, एंगल एबीसी क्यों 90 होगा? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी 180 हो गया। अच्छा, बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, तो ये 90 हुआ इस ट्रायंगल की वजह से, इस सर्कल की वजह से ये 90 हुआ। इस सर्कल का सेमी सर्कल है तो, लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है तो क्या वे लीनियर पेयर भी कहलाते हैं? यदि 180 हुआ देन द नॉन कॉमन आर्म्स आर लाइंग ऑन ए लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गए। नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये कॉमन आर्म्स है एडजेसेंट एंगल की, और ये कौन सी आर्म्स है? तो ये एक लाइन बनाते हैं कि नहीं? सो बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, सो बी डी सी इज ए लाइन। सीधी बात क्या कह दोगे? बी डी सी क्या हो गई? 180 डिग्री है ना, तो लाइन हो गई। पॉइंट ऑफ सर्कल देखो, बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, सो
कहा जा सकता है कि डी लाइज ऑन बी सी, हेंस ग्रुप डी. अब देखिए ए बी सी एंड ए बी सी आर टू राइट एंगल्स, तो ए बी सी विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी, तो एक राइट एंगल इधर लो, तो ए सी है और ये ए बी सी, और इधर ले लो ये ए बी सी, ये राइट एंगल, और इनका क्या कॉमन हाइपोटेनियस है, करना ये इसके इक्वल है. कैसे प्रूव करना है देखो, सी ए डी और सी बी डी हम कैसे प्रूव करें अनुराग? सही है, जैसा कि अनुराग ने बताया कि ये 90 और ये 90, तो कहीं दोनों का सम 180, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180, तो क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो क्या सर्कल पर लाई किया, तो अब इस आर्क की वजह से क्या यहाँ एक एंगल बना, और इसी आर्क की वजह से क्या यहाँ एंगल बना, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? एंगल इन सेम सेगमेंट, देखो कितनी आसानी से बता रहे है बात की नहीं. पहला क्या करेंगे आप, फिर से बताओ सबके लिए. सर ट्रायंगल लेना है, जो भी लेना है, हमारे पास तो कोऑर्डिनेटर है, ज्यादा तो है नहीं कुछ. बताओ एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी तो 90 दिया है ना? यस सर. और एंगल डी इज 180 डिग्री सर. ये क्यों? अब देखो ये बी भी 90 डी भी 90, तो सम 180 नहीं होगा. सो दिस इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री. सो A B C D is cyclic. आगे बताओ. Angle C B D is equal to angle C A B. Angle in the same segment of the circle. Angle C B D is equal to angle C A B. That is angle in same segment of circle. तो ये जो angle बन रहा है क्या इसी आर्क की वजह से बन रहा है? Yes sir. ठीक. एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ, ठीक. अब देखिए सर, अगर ठंड लगेगी तो कार्तिक बताना. नहीं आ रहे जी सर. हमने आगे कर रखा है, डायरेक्ट हवा नहीं आ रही आपके पास. चल इतनी बात दिव्या समझ में आई कि नहीं? चलो तो ये प्रूव हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें. प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल. साइक्लिक पैरेललोग्राम प्रूव करना है रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम इवन ए बी सी डी इज साइक्लिक. टू प्रूव ए बी सी डी इज
रेक्टेंगल द्वितीय प्रूफ है। एंगल हाँ पैरेललोग्राम है तो किसको किसके बराबर बता रही हो? एंगल डी से इक्वल है एंगल बी ना? हाँ सही है। एंगल डी क्यों बी के इक्वल है? अपोजिट साइड्स होते हैं। साइड्स सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अगला बताइए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी That is opposite. ये भी opposite angles of parallelogram. और कुछ बताना है? इतना तो बता दिया। और साथ में इस दोनों का सम, इन सबका सम 360 है। सही है। कहीं आपके आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है कि एंगल ए प्लस सी को 180 होना चाहिए क्योंकि ये साइक्लिक है, ऐसा नहीं आ रहा है? है? एंगल ए प्लस एंगल सी को क्या आना चाहिए बताओ? अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 क्योंकि साइक्लिक है। लिखा नहीं साइक्लिक है। क्या मैं सी की जगह ए लिख दूं? तो ये 180 डिग्री तो टू टाइम्स एंगल ए 180 डिग्री। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया तो क्या वो रेक्टेंगल हो गया? एक ही एंगल 90 हो जाए क्योंकि अगल बगल वाला 90 हो जाएगा, कोई इंटीरियर से आमने सामने वाला भी 90 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इतने तो लिखना भी नहीं है, ये तो हटाई दो, इसी से काम बन गया क्या? सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री सो इट इज अभी सरफेस एरिया है वॉल्यूम पे चलते करना।